अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन विद हैप्पीनेस। गजज की लेटेस्ट वीडियो है सजल अली के फैंस के लिए, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक लास्ट में देखा करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड सजल अली के जितने भी फैंस हैं वो इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं कि वो उनको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। और सजल अली के रिलेटेड मैं आप लोगों से न्यूज़ शेयर करती हूँ, और अभी जो है काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं अभी हॉस्पिटल से आई और सबसे पहले मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि सजल अली के जितने भी फैंस हैं उनके लिए तो एक्साइटेड न्यूज़ है, क्योंकि मैं खुद भी सजल अली की फ़ैन हूं, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि सजल अली जो है वो पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा जो है वो ऑलरेडी ही शुमार की जाती हैं, और इन्होंने जितने भी ड्रामों में काम किया या फिल्मों में काम किया, इनकी मॉडलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये सिंगर भी हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। इनकी फ़िल्म हाल ही में खेल खेल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है और इनको बहुत ज़्यादा सराहा गया, लेकिन अब सजल अली जो है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तान जो इंडस्ट्री है उसकी बेहतरीन अदाकारा जो है वो शुमार हुई हैं, और इनको जो है बेहतरीन अदाकारा का जो है बहुत जल्द एन मुमकिन है कि इनको अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। तो मुझे जो है ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और इनकी जो पिक्चर्स आप इनकी ब्लैक ड्रेस में देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो रही है, और इनको लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर हम यहाँ पे मुबशर भट्टी की बात करेंगे तो मुबशर भट्टी जो है वो इनके मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो इनको जो है लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि सजल अली की जो है कुछ ऐसी पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि वो उनका मेकअप करते हैं, तो लोगों ने जो है उनसे रिक्वेस्ट की कि सजल अली की कुछ पिक्चर्स जो है उनके साथ शेयर की जाए। तो जैसे ही कुछ न्यू पिक्चर्स आएंगी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और आज की न्यूज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।